एके मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट. एके मिश्रा जी, यहाँ पर आप आम आदमी पार्टी की तरफ से लिए गए इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं अब इस बात का डर सताने लग गया है कि अगर एक और हार होती है तो उसकी छवि जो है और ज्यादा खराब होगी और सीधा नुकसान दिल्ली में होगा उसे? को मैनेज नहीं कर पाए हैं, तो कोई भी इलेक्शन हो, अगर मैं कांग्रेस की बात देखूं, कांग्रेस के साथ गठबंधन की, तो कांग्रेस भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानती है कि हमने जितने भी गठबंधन किए हैं, हमें उन गठबंधन का कोई विशेष फायदा नहीं मिला है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में. तो कांग्रेस ये समझती है कि एटलीस्ट अगर दिल्ली के एरिया की हम बात करें, तो कांग्रेस समझती है कि अगर हम अकेले करेंगे तो जो लोग आम आदमी पार्टी से नाराज हैं, तो इनको बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल जाएगा. तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है गठबंधन करेगी. कांग्रेस अगर अकेले लड़े कहीं पर भी या दिल्ली में, तो उसको अपना फायदा मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी. मिश्रा जी, यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी ने इनकार कर दिया है जेजेपी के साथ गठबंधन करने से और ये कहा है कि अब कहीं भी चुनाव हो वो गठबंधन नहीं करेगी, अकेले दम पर अपना चुनाव लड़ेगी. देखिए, आम आदमी पार्टी को कौन ले रहा है, कौन इनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो रहा है? आम आदमी पार्टी का वो बाई, लेकिन जेजेपी तो तैयार थे यहाँ पर हरियाणा में गठबंधन के लिए. जेजेपी तो कह रही थी कि समान विचारधारा की अगर कोई पार्टी आती है तो वो पूरी तरह तैयार है, सहयोगी बताते आ रहे थे अब तक तो जेजेपी नेता आम आदमी पार्टी को. नहीं देखिए, कोई भी वहाँ पे जो जेजेपी नेता वगैरह की अगर किसी की भी आप बात करेंगे, कोई एक नेता बोल दे वो दूसरी चीज है, और केवल आइडियोलॉजी का समान होना ही गठबंधन के लिए एकमात्र शर्त नहीं है. सारे पॉलिटिकल लीडर पहले ये देखते हैं कि भले ही आइडियोलॉजी हमारी समान है, उनके साथ गठबंधन करने से फायदा किसको होगा? उनको फायदा होगा कि जिससे वो गठबंधन कर रहे हैं. और हरियाणा में भी देखिए, एक ठीक है, एक इमेज बनी हुई हो सकती है, केजरीवाल जी हरियाणा से हैं, लेकिन धरातल पे जब उतरने की बात होती है तो उस इमेज को वो कितना कन्वर्ट कर पाएंगे? दिल्ली इलेक्शन के बाद मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी ने, शुरू में जो एक दो इलेक्शन पंजाब वगैरह के हो गए थे, उसके बाद मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं लगता है. इलेक्शन ऐसा नहीं है कि केवल नाम लेकर के आप कभी जीते थे या कभी बहुत अच्छे थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. और सारी पार्टियां इस चीज को समझती है. आम आदमी पार्टी के अंदर निगेटिविटी ज्यादा आई है, उनके वेट में, पॉलिटिकल वेट में कमी डेफिनेटली आई है. लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इनके साथ गठबंधन कर ले तो हमें फायदे की जगह नुकसान हो जाए, इसलिए फूक फूक के सारी पार्टी के नेता लोग या ये लोग जो है कदम रख रहे हैं. अजय गुलिया जी, अजय गुलिया जी, क्या यही बात है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी को लेकर के आप इतने आश्वस्त नहीं थे जेजेपी के लोग और इसीलिए सभी 90 सीटों पर तैयारी जो है पार्टी की तरफ से चल रही थी? देखिए कायनात जी, मैं आपको एक स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ. हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने वाले लोग नहीं, हम लोग रिश्ते निभाने वाले लोग हैं. और जब हमारा किसी पार्टी के साथ तालमेल हुआ, गठबंधन हुआ, तो हम उसको निभाने वाले लोग हैं. और दूसरी बात देखिए, जब सीटों का कोई बंटवारा, अच्छा, कितने रिश्ते निभाते हैं आप लोग? सारी पार्टियां तो टूट टूट के दो पार्टियां बन जा रही है. हरियाणा की भी बात लीजिए, अब मुझे पता नहीं निभा पा रहे हैं. नहीं, मुझे पता नहीं है बीच में कौन बोल रहे हैं, लेकिन मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ. पॉलिटिकल एक्सपर्ट है एके मिश्रा, जिन्होंने आपसे ये सवाल किया. मिश्रा साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ रिश्तों की लड़ाई नहीं है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है. देखिए, हम युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहते हुए, और जब हमें ये लगा कि हम अपनी बातों के साथ, मांगों के साथ और युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकते, और हमें उस दल से निकाल दिया गया, तब एक नए दल का गठन हुआ. और ये किसी व्यक्ति विशेष के कहने से किसी दल का गठन नहीं हुआ है मिश्रा साहब, ये दल का गठन हुआ है हरियाणा प्रदेश के लोगों की मांग पर. और जिस प्रकार से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार से लोग हमें चाह रहे हैं, लोग इंडिया जननायक जनता पार्टी को अपना प्यार और आशीर्वाद, देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है. अब भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी, उसके बाद कितने चुनाव लगातार हारे. मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जीतिए, लेकिन आपने ये बोला सिद्धांतों की लड़ाई है, तो उसी सिद्धांत से मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, बहुत सारी पार्टियां टूट के दो भागों में बट गई, वो कांग्रेस भी कई बार टूटी हुई है और ये चीजें हैं, तो कहां सिद्धांत? इन्हीं सिद्धांतों के बेसिस पे मैं बोल रहा था सर कि बहुत मुश्किल होगा इस चीज का कि आम आदमी के साथ कोई गठबंधन करे. पॉलिटिकल फायदा और नुकसान पहले देखा जाएगा. आप लोग हरियाणा की जो ओरिजिनल पार्टियां जितनी है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत एक्टिव है. आम आदमी पार्टी ने कौन सा धरना प्रदर्शन किया या किसी जनता के हित की बात की हरियाणा में? केवल एक परसेप्शन को छोड़ के उनका धरातल पे तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है.
नहीं देखिए मिश्रा साहब, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मिश्रा साहब जिस प्रकार से, मैं आज भी कहता हूँ, आज इन्होंने भले ही गठबंधन के लिए ना किया हो, यहाँ किया हो, या अभी सिर्फ वो गोपाल राय जी की निजी राय हो सकती है, मैं उस बारे में नहीं कह सकता, बेहतर तो बताएंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन ये बात आज भी हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इन्होंने दिल्ली में अस्पतालों और स्कूलों में अच्छा काम किया है। उस प्रकार का मॉडल हम लोग हरियाणा में भी लाना चाहते हैं। अब हम तो वो लोग हैं कि अच्छा काम अगर कोई विरोधी पार्टी भी करेगी, अगर आज हरियाणा प्रदेश की सत्ता में बैठी भाजपा भी, लेकिन छल भी तो कर दी अब यहाँ पर, जो राजनीति में नहीं होना चाहिए, राजनीति का यहाँ पर एक मूल मंत्र रहता है कि आप अगर आए हैं तो आपको पूरा विश्वास एक दूसरे पर होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, और जब आप साथ में आए थे तब भी आपने ये कहा था कि ये स्वार्थ बंधन नहीं है, बहुत आगे तक जाने के लिए आप दोनों साथ आए हैं, लेकिन अब इस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से इनकार कर देना अचानक ही, इसे आप यहाँ पर क्या कहेंगे? गोपाल राय जी ने कहा है, वो उनका निजी बयान भी हो सकता है और मैं मानता हूँ पार्टी का बयान भी हो सकता है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अब हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव हैं इसको लेकर के, लेकिन अब उन लोगों की क्या सोच है, अगर वो लोग इस प्रकार की कोई सोच रखते हैं तो देखिए उन पर निर्भर करता है। आप तो पॉजिटिव है लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है यहाँ पर। शालिनी जी कुछ कहना चाह रही है। जी शालिनी जी, राजनीति में जैसे संभावनाएं रहती हैं, संभावनाओं का अवसर रहता है, तो इसी नाते एक जो सोच है उसको देखा गया है कि हम लोग जो है धरातल पर काम करने वाले लोग हैं भाजपा में, तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग बोलते हैं कि हम आम आदमी पार्टी धरातल पर उतर के काम करती है, और जो जो कि हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, सबका विश्वास भी पाया जाए, तो अगर संभावना बनी तो जरूर आम आदमी पार्टी के साथ काम करने में। आज तक रोजगार सबसे कम रहा, उसके ऊपर काम किया, धरातल से कौन सा काम किया पता है? धरातल पे भाजपा ने जो काम किया तभी आज ये एक तो गिनवाओ तो सही, आप गिनवाओ तो सही कौन से काम किए। यूपी में जो गंगा स्वच्छता अभियान चल रहा है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ही चलाया गया है, स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता पर भी वहाँ ध्यान दिया गया कि काशी की सुंदरता को कैसे और बढ़ाया जाए। वहाँ क्या आपने इंडियन रेलवे की सफाई को देखा? क्या आपने इंडियन रेलवे के टॉयलेट को देखा? क्या इंडियन रेलवे की सफाई को देखा आपने? आप एक बार पूरे हिंदुस्तान के प्रकाश मोहन जी इंडियन रेलवे भाजपा के प्रवक्ता जाने कौन सी प्रदेश से आई है, अरे एम का नाम ले रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। इंडियन रेलवे का नाम भी लेती है तो इनको शर्म आनी चाहिए। इंडियन रेलवे लोगों के साथ लोगों ने नहीं सर, आप लोग देखिए किसी भी प्रवक्ता को ऐसा मत बोलिए जाने कौन से प्रदेश से आई है, ये उसी ये वही भाजपा पार्टी की प्रवक्ता है नेहा मैम, जिन्होंने सारे प्रदेशों को साफ कर दिया। आप ये बताइए ना, कर दिया ये एम की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ट्रेन नहीं चला रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। आप ये बताइए ना, एक एक करके आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सीट टूटी हुई है, ट्रेन टाइम से नहीं चलती, बताओ आप क्या कर रहे हो? के रहने वाले हैं लेकिन हरियाणा के लिए आज तक उन्होंने एक ढेले भर का काम नहीं किया, तो यहाँ मुझे पूरा विश्वास है भाजपा। एके मिश्रा जी, आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगी, अगर आप यहाँ पर इस तरह से आम आदमी पार्टी के इनकार को देखते हैं गठबंधन से, तो इसमें आप किस तरह की बातें निहित पाते हैं, किन बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला किया है? क्या उसे अब अपने ऊपर से विश्वास ज्यादा उठ गया है, या दूसरी पार्टी जिसके साथ गठबंधन में जाने वाली थी उससे ज्यादा विश्वास उसका उठ चुका है, या फिर दिल्ली को देखते हुए ये फैसला लिया गया? देखिए मैं आपको बताऊं मैम, आम आदमी पार्टी में क्या है, ये उनकी खूबी है या बुराई है जो भी बोलिए, अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा, जो टॉप लीडर है केजरीवाल, आप देखिए उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जिन लोगों ने पार्टी को बनाया था सबको निकाल के बाहर कर दिया, जो उनके बिल्डिंग ब्लॉक थे शुरू में, तो यहाँ पे भी मुझे कोई गठबंधन की संभावना इसलिए नहीं दिख रही है। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, एक किसी एक आदमी का आप वो मत लीजिए, यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा इतनी ऊपर रहेगी कि वो चाहेंगे कि हम ही लीड करें। कोई भी गठबंधन अगर आम आदमी पार्टी करेगी तो वो चाहेंगे कि हम लीड करें। ये एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसके कारण मुझे लग रहा है कि गठबंधन बड़ा मुश्किल होगा। ये एक जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के ऊपर हावी हो जाएगी यहाँ पे। ये मैं व्यक्तिगत जो है इनकी आम आदमी पार्टी की मैं पॉलिटिकल टेंडेंसी बता रहा हूँ। तो अभी जब ये टेबल पे बैठेंगे निगोशिएशन के लिए कि गठबंधन कैसे किया जाए,
तो आम केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा को कौन सी पार्टी अपने हितों को लोकसभा को देखें तो लोकसभा में ये जेजेपी के साथ मिलकर के ही लड़े थे, 3 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिली थी, हालांकि हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा। देखिए लोकसभा का जो एक इलेक्शन होता है, मैं अभी ये बोलूं कि भाई केजरीवाल जी ने लोकसभा में, आप देखिए दिल्ली में क्या हाल हुआ गठबंधन का, ये गठबंधन ऐसे ही इन लोगों के गठबंधन होते हैं जहां कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए सिद्धांत की अगर बात करें ना, तो जब दोनों पार्टियां एकदम बुरी तरीके से घायल हों, निगेटिव फेज में चल रही हों और दोनों को लग रहा है कि उभरने के लिए हमें केवल एक तरीका है कि हम किसी से गठबंधन कर ले, तो वहां पे आकर के ये लोग गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन जरा सा भी 19-20 हुआ किसी भी पार्टी को, तो अगर ये लगा कि हम तो अकेले अपने दम से ज्यादा अच्छा कर लेंगे या गठबंधन कर लेने से हमें फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा और दूसरी पार्टी को ज्यादा वो हो जाएगा, तो वहां पे फिर वो कॉमन एक एजेंडा वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, इसलिए अल्टीमेटली वो गठबंधन जो है टूट जाता है। अजय गुलिया जी, क्या यही लगने लगा था आम आदमी पार्टी को, इसीलिए यहाँ पर गठबंधन ना करने का फैसला किया? मैं दूसरे के दिल की बात तो नहीं पढ़ सकता, मैं ये तो बता सकता कि आम आदमी पार्टी को क्या लगता था, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात जरूर कर सकता हूँ। अभी भाजपा की प्रवक्ता एम्स का जिक्र कर रही, शायद इनको पता नहीं कि स्वयं मुख्यमंत्री ने आकर के मनेठी में एम्स की घोषणा करी, मनेठी में आकर के एम्स की घोषणा करी और 1.5-2 साल बाद कहा कि मुझसे तो जबरदस्ती घोषणा करवा ली गई, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट फिजिबल ही नहीं है, उसको कैंसिल करना पड़ा, लोगों के साथ कितना बड़ा छलावा इन्होंने किया। अभी ये भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, ग्राउंड लेवल पे काम की बात बता रही थी। मैं तो सिंपल एक बात पूछना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, 154 वादे हरियाणा प्रदेश के अंदर संकल्प पत्र में ये लोग करके आए थे, 5 साल का कार्यकाल अक्टूबर में पूरा हो जाएगा कान्हा जी, इनसे पूछ लो ये 10 कोई भी 10 जो पूर्ण रूप से पूरे करे हो वो बता करके मुझे चुप कराने का काम करे। 154 में से मैं तो 10 मांग रहा हूँ, मैंने तो आधे 75, 76, 77 नहीं मांगे। गुलिया जी तो लंबा वक्त हो गया है इन्हीं बातों को दोहराते दोहराते, लेकिन यहाँ पर फिर हम वही कहेंगे कि जीत का जो कारवा है बीजेपी की वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अगर वाकई में ये इस तरह के मुद्दे बने हुए हैं तो जनता फिर यहाँ पर बार बार जनादेश क्यों दे रही है? क्षेत्रीय पार्टियों से क्या जनता का विश्वास इस कदर भंग हो गया है? क्या जनता भी अब मानने लग गई है कि क्षेत्रीय पार्टियां आपस में ही इतना ज्यादा उलझी हुई हैं अपने मसलों में कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे सकती और ऑप्शन नहीं बचा है जनता के पास, क्या इसलिए बीजेपी को चुन रही है? नहीं देखिए कान्हा जी, मैं बताता हूँ, ये लोग जो है कि लोगों को ड्रा करके, अब आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं, ये लोग राम को झूठ बोलने वाले लोग हैं, जिसकी कसम खाते हैं उसको लूटने वाले लोग हैं, राम के नाम पे लोगों को लूटने का काम किया, अब राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को लूटने का काम किया। देखिए ये लोग सिर्फ इस राजनीति का आपको बोलने का अधिकार तब है जब 154 में से आप 10 बताएं, आप कोई 10 बता दें, कोई तो 10 बता दें जो पूर्ण रूप से पूरे करे हो। मिश्रा जी आपको क्या लगता है ये फैसले के बाद किसकी छवि पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आम आदमी पार्टी की या फिर जेजेपी की, और क्या जेजेपी की चुनावी कैंपेन को इससे कोई नुकसान होगा इस फैसले के बाद? डेफिनेटली देखिए एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, मैदान में जितने खिलाड़ी होंगे वोटों का ध्रुवीकरण या उसके बचने का चांसेस उतना ज्यादा ही होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर 4 कॉन्टेस्टेंट हैं, 4 की जगह अगर 10 हो जाएंगे तो परसेंटेज ऑफ वोट तो बटेगा ना, चाहे वो 1% हो चाहे 0.5% हो। तो अगर इन लोगों ने कोई एक प्रॉपर, जैसे यूपी वाला गठबंधन या पहले भी बहुत सारे गठबंधन बने हैं लोकसभा में, गठबंधन बनने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम साथ लड़ेंगे, उसको जीत में कन्वर्ट करना एक दूसरा चैलेंज होता है, उस गठबंधन के सिद्धांतों को विजयश्री में कन्वर्ट करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। अगर वो चीजें नहीं रहेंगी तो ये गठबंधन अपने पैर पे कुल्हाड़ी होगी। और एक आपके सवाल का जवाब ये है, नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर बढ़ेंगे, क्योंकि वोट तो लिमिटेड है ना, वोट तो नहीं बढ़ रहा है, क्या चीज फिक्स है? देखिए वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स फिक्स है, नंबर ऑफ अगर कॉन्टेस्टेंट या पार्टियां बढ़ेंगी तो वो वोट बटेगा ही बटेगा, चाहे वो 100 वोट ही क्यों ना कटे। इसका फायदा मिलेगा जो पार्टी सबसे मजबूत है, जो सबसे बड़ी है, जो अकेले चुनाव लड़ रही है, सिंपल सा प्रिंसिपल है ये। शिवप्रकाश जी, क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतरने से पहले ही हार मान ली, क्योंकि पार्टी के लीडर्स का भी ये कहना है कि हरियाणा में चुनावी रणनीति को लेकर के अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इस तरह से ये बयान सामने आना, क्या आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्या आप देखते हैं कि अब पार्टी जो है चुनावी मैदान में ही नहीं उतरना चाहती? सब्जेक्ट के ऊपर अभी डिसीजन ही नहीं लिया गया, आप उसको हार में कैसे बोल सकते?
अब सब्जेक्ट पे डिसीजन लेना बाकी है, जब ये सब्जेक्ट आ जाए कि हम इलेक्शन नहीं लड़े तो आप बोल सकते हैं। अभी अंडर प्लानिंग जो चल रही है, आप अभी से कैसे कह सकते हैं? नहीं, अभी जैसे गठबंधन से इनकार कर देना और उसके बाद सीधा ये कहना, क्योंकि अब चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है। एक तरफ बीजेपी ने बड़े स्तर पर अपने अभियान शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ एक पार्टी अभी कहती है कि चुनाव लड़ने को लेकर ही अभी कोई फैसला नहीं है। अभी फैसला नहीं लेना, अभी फैसला ले लेंगे, क्योंकि फैसला लेने में थोड़ा समय दिया जाए ना वो ज्यादा अच्छा होता है और डिसीजन भी अच्छा होता है। यानी अभी आप मान रहे हैं कि चुनाव के मैदान में पार्टी उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी, पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और 90 की 90 सीटों पे उतरेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे। सरकार सत्ता में आने साथ ही सबसे पहले किसान सम्मान निधि के साथ साथ जल्द, आप किसान सम्मान की कहां से बात कर रहे हैं? 70 सालों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कांग्रेस बीजेपी इनेलो सभी मिलकर दूर करना चाहते हैं, दुगुनी आय करना चाहते हैं। 70 सालों से किसी की आय दुगुनी नहीं हुई अभी तक। आप करते क्या हो? किसानों की आय दुगुनी करेंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे और किसान फांसी खाते हैं, आत्महत्या करते हैं, आप कुछ नहीं करते। केजरीवाल सरकार ने कम, अजय गुलिया जी आपसे सवाल, विश्वास में किसके कहां कमी रह गई? क्या यहां पर विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं रही जेजेपी आम आदमी पार्टी को, या फिर आप आम आदमी पार्टी को ही इस कदर बीजेपी का भय ज्यादा बैठ गया, अपनी डर का अपनी हार का डर इस कदर बैठ गया कि उसने यहाँ पर गठबंधन से पैर पीछे खींच लिए? कायनाथ जी, मैंने जैसा भी आपको पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने क्या सोचा और क्या सोच करके ये बयानबाजी गोपाल राय जी की तरफ से, इस बारे में तो बेहतर या तो गोपाल राय जी स्वयं या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं। दूसरी बात, विश्वास की जहाँ तक बात है, हम लोग ये मानते हैं कि हमें हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास जीतना है। हमारा उत्तरदायित्व हरियाणा प्रदेश के लोगों की तरफ बनता है और हम ये मान करके चलते हैं कि जब तक उनके हकों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कोई देखिए, हम अपने धर्म पर कायम है, हम अपने गठबंधन धर्म पर कायम है। अब ये निर्णय तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो ले नहीं सकते, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को लेना है कि वो निर्णय क्या लेगा, लेकिन हमारी तरफ से हम अपना गठबंधन धर्म पूर्ण रूप से निभाया भी है और आगे भी निभाएंगे। अगर गठबंधन में रहेंगे या कोई भी दल रहेगा तो उसके साथ अपना गठबंधन धर्म निभाएंगे, बाकी का निर्णय आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेना। शिवप्रकाश अभी जी, अभी भी मैम एक मिनट मैं वो दूंगा पंच लाइन, अभी भी मुझे लगता है ना विपक्ष को अपने प्रयासों पे, अपने एफर्ट पे, अपने बाजुओं पे उतना भरोसा नहीं है जितना गठबंधन के सिद्धांत पे। जेजेपी लगातार यूपी बिहार कई जगहों पे आप गठबंधन का देख रहे हैं। ये सवाल आपके लिए है, अभी भी अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं है? अभी भी आप राह देख रहे हैं कि कोई साथी मिल जाए, कंधे का सहारा मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए? देखिए कायनाथ जी, दुष्यंत जी ने क्या कहा सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बकायदा नंबर सीटों पे जारी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन गठबंधन धर्म ये कहता है कि अगर कुछ सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी तो उनके लिए हम छोड़ने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर गठबंधन नहीं है या नहीं होगा या नहीं रहता तो 90 की 90 सीटों पर पूर्ण रूप से तैयारी के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और हमारा गठबंधन हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है। डेफिनेटली वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, अच्छा रिजल्ट हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा के बेहतर भविष्य के लिए जननायक जनता पार्टी को देखेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों की सर देखिए दुविधा यही है, आप लोग अगर मगर से जो है निकल जाए ना, कभी अगर आपको पकड़ लेता है कभी मगर, तो वोटर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों की जो रणनीति है फ्यूचर का, इसके पे प्लान होता है वो इतना कंफ्यूजिंग होता है कि अभी भी आप लोग अगर मगर होगा, यदि होगा नहीं होगा ये होगा, तो इससे देखिए एक अच्छी राजनीति के लिए परसेप्शन को एकदम क्लियर रखिए, जनता एकदम समझती रहे कि आपके स्टेप्स क्या है। लास्ट डे तक आप लोग गठबंधन में ही उलझे रहेंगे, अगर मगर होगा नहीं होगा, तो पब्लिक को फिर ये लगता है कि यार ये अगर अपना ये डिसाइड नहीं कर पा रहे तो इससे बेटर है हम उसको वोट दे दें जो एकदम क्लियर कट विजन लेके चल रहा है। हार या जीत में इस चीज का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि परसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी आप मानते हैं कि मिश्रा जी विपक्ष के कंफ्यूजन ने ही यहाँ पर, गठबंधन के कंफ्यूजन पर ही जनता को पशुपेश में डाल दिया है और इसी वजह से जो है दूसरी पार्टी को वोट चला जा रहा है? देखिए भाजपा प्रचंड के बाद सभी रीजनल पार्टी का जिसे कहते हैं कि
खाता बंद होने की नौबत आ गई है हर स्टेट में, और यही कारण है कि वो अब सोच रहे किस तरीके से हर स्टेट में होती है। तो पश्चिम बंगाल में श्री राम के नाम से क्यों आपने ममता बनर्जी की सरकार गिराने की कोशिश की? शिवप्रकाश मोहन जी, नून जाट के आधार पर लड़ाने की कोशिश। चलिए, वक्त कम बचा है, अंतिम प्रतिक्रिया आप सभी से चाहूंगी, ये गठबंधन की राजनीति क्या हमेशा के लिए बंद कर देगी आम आदमी पार्टी, या आगे भी उसकी इस नीति में चेंज होगा? और अगर यहाँ पर हरियाणा में आप जेजेपी के साथ आपने गठबंधन से इनकार किया है, तो क्या पूरे दमखम के साथ पार्टी मैदान में उतरेगी? शिवप्रकाश जी, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ युद्ध रहेगी और दिल्ली जैसा प्रदर्शन हरियाणा में भी करेगी। अजय गुलिया जी, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी पार्टी के इस तरह से गठबंधन से ना कहने का? नहीं देखिए कहना जी, मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिस प्रकार से अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि क्षेत्रीय पार्टियां शून्य पर चली गई, शायद इनको जानकारी नहीं राजनीति की। पिछली बार तो 44 और अब की बारी 38-39 दलों का, क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है इनके साथ जब ये लोग सत्ता में है। तो कम से कम कुछ सोच करके इनको पता होना चाहिए, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए किसी के बारे में, किसी दल के बारे में, किसी क्षेत्रीय दल के बारे में टिप्पणी करने से पहले। 10 काम तो गिना नहीं पाई, कम से कम ये तो इनको जरूर पता होना चाहिए कि इनका कितने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन। चलिए, ए के मिश्रा जी, आपको क्या लगता है किस तरह के अब समीकरण बनेंगे? नहीं देखिए, मुझे ये लगता है ना कि बीजेपी का तो अपना है, वो जैसे भी वो करेंगे, लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके अंदर अभी भी कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी जो है मुझे दिखती है। इसीलिए ये गठबंधन को एक विकल्प के तौर पे, एक सबसे सशक्त विकल्प के तौर पे देखते हैं और अंतिम दिन तक ये प्रयास करते रहते हैं। उससे गठबंधन बीजेपी का भी है, तो मैंने पहले ही बोला गठबंधन केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर देना नहीं है, उतना आइडियल, उतना मजबूत, उतना क्लियर गठबंधन बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। विपक्ष वाले अगर मगर में ही फंसे रहते हैं तो वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है, पॉलिटिकल इल्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है वोटरों के अंदर, इसीलिए इनके गठबंधन हो जाते हैं फेल। हालांकि गठबंधन ये बनाए, लेकिन कोई भी काम करिए अच्छे से करिए और समय पे करिए। पर ये जिस तरह से कंफ्यूजन रहती है पार्टियों के बीच में गठबंधन को लेकर विपक्ष में, उससे ज्यादा जो है जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेजेपी से गठबंधन पर आपका इनकार और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के भी आप की ओर से अभी सस्पेंस जो है वो बनाकर रखा गया है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आम आदमी पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में उतरेगी या नहीं उतरेगी। साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी की ओर से अभी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं पार्टी के नेता, और आपके इस फैसले में कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़ा सवाल भी छिपा है। आप शायद गठबंधन के सहारे भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, क्योंकि जीत भले ही पार्टी को उतना फायदा ना पहुंचाए जितना नुकसानों से हार पहुंचा सकती है। देखने वाली बात यह रहेगी कि आपके इस स्टैंड से हरियाणा की राजनीति में कौन से नए समीकरण बनते हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।